तो जावेद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रागगिरी के हमारे प्लेटफॉर्म पर, और आपने समय निकाला इसके लिए मैं बहुत ढेर सारा शुक्रिया आपका। और सवाल पहला, आप कह सकते हैं थोड़ा सा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके परफेक्ट परफेक्ट, सवाल ओके परफेक्ट। जावेद भाई, पहला सवाल थोड़ा सा मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी पैदा करता है, क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए पिछले काफी समय से तैयारी कर रहा था, और जब मैं आपको पढ़ता रहा हूं या मतलब सुनने के अलावा, तो मैंने सुना कि बचपन में आप फिल्मी गाने बिल्कुल नहीं सुनते थे, तो इसकी वजह क्या थी? मतलब ये जानना चाहूंगा। देखिए, इसकी वजह ये नहीं कि ना मैं मुझे पसंद नहीं थे या मैं जानबूझ के ऐसा करूं, बल्कि बल्कि होता ये था कि मेरे घर में थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक का था, और लाइट म्यूजिक भी अगर सुनते थे तो वो गजलें सुना किया करते थे मेरे वाले साहब। गुलाम अली खान साहब को सुनते थे, मेहदी साहब को सुनते थे, या बहुत सारे कलाकार क्लासिकल में, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, तो ये इन सब को सुना जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उस माहौल में आप ग्रो हो रहे होते हो तो आपके जहन पे वही असर रहता है, और उसके अलावा फिर आप दूसरी चीजें नहीं सुन पाते। तो जहन में ये बात थी कि यही यही सही म्यूजिक है, तो इसको ही सुना जाए और इसकी तरह ही अपने आप को ढाला जाए और इसी सांचे में अपने आप को ढाला जाए। इसलिए मैं हिंदी फिल्मों के गाने सुनता नहीं था। इनफैक्ट जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मुझे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, बनना चाहते हैं, तो मैं यही बात कहता था कि मैं एक, सबसे पहले बात तो एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ और वर्सेटाइल बनना चाहता हूँ, जो कुछ भी गा सके। लेकिन फर्स्ट चॉइस होती थी कि मैं स्टेज शोज करूँ, गजलों के शोज करूँ, क्लासिकल का कुछ किया जाए, तो ये एक मेरी फर्स्ट चॉइस रहती थी। लेकिन जब मैं मुंबई आया, तो मुंबई आने के बाद, मुंबई भी कोई ये सोच के नहीं आया था मैं कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है, बल्कि एक इत्तफाक हुआ। मैं समर वेकेशंस के लिए आया मुंबई में, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे यहाँ पे, रहते हैं ऑफकोर्स, तो ऐसे ही मन किया कि चलो 2 महीने की छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आया, और आने के बाद ना फिर मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई यहाँ पे। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब जी मेरी जी उम्र भी जी 11-12 थी, 11-12 साल का था मैं। तो यहाँ पे आके जब मैं मिला बहुत सारे लोगों को, तो फिर मेरा इनफैक्ट मैं कल्याण जी भाई को भी मिला। कल्याण जी भाई को ने मुझे सुना और मुझे कहा कि ना ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है आपका, मेरे वाले साहब को, तो इसको दिल्ली में क्या, इसकी दिल्ली में जरूरत नहीं है, आप दिल्ली से इसको यहाँ भेज दीजिए। तो ऐसे सारी चीजें होने लगी। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ आने के बाद ना फिर मुझे, मेरा एक जहन में तब्दीली आई, और मुझे लगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ गजल गायकी मैं करता हूं, तो उसमें सबसे पहली बात तो बहुत वक्त लगेगा आपको अपना नाम बनाने में और अपने आप को साबित करने में, क्योंकि बहुत असल की जो ऑडियंस है वो बहुत, उसकी बहुत है ना लिमिटेड ऑडियंस है। और दूसरी एक और बात, खास बात ये थी कि मुझे ये बॉम्बे में आया, मतलब अगर मुझे गाना गाना था, सिंगिंग में अपना करियर बनाना था, तो मुझे जाहिर सी बात है मेरे घर के भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो मुझे पैसा भी कमाना था। तो ये सारी चीजें सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों फिल्म प्लेबैक सिंगिंग की जाए, कि जिसमें आपको हर जॉनर गाने को मिलेगा, आपको क्लासिकल गाने को भी मिलेगा, पॉपुलैरिटी भी है, पैसा भी है। ये सारी चीजें मैंने सोची खुद उस कम उम्र में, जब मैं तकरीबन 2-3 साल के बाद में, फिर जब मैं थोड़ा सा और मेच्योर हो गया, 14-15-16 साल का, तो मैंने सोचा कि प्लेबैक सिंगिंग क्यों ना ट्राई की जाए, जिसमें आप हर फन मौला बन सकते हो, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो फिर मैं, मेरे जहन बनाया और फिर मैं प्लेबैक सिंगिंग की तरफ। और होता ये था कि फिर वही मैंने आपको बताया था ना, एक तरफ क्लासिकल म्यूजिक, लाइट क्लासिकल, एक तरफ ये म्यूजिक, और दूसरी तरफ
लाइट प्लेबैक सिंगिंग तो बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है, वो अलग एक स्टाइल है, ये अलग एक स्टाइल है। तो जब मैं यहाँ आने के बाद मैं स्टेज शोज में भी गाता था तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं सोचता था कि हर गाने में तान मारनी चाहिए, हर गाने में मुड़कियां लेनी चाहिए, हर गाने में मींड लेनी चाहिए, तो मैं फिल्मों के गानों में भी वही यूज करता था। जब मैंने देखा कि लोगों का जो रिएक्शन है मेरे गाने के प्रति वो थोड़ा सा ना लोग उसको थोड़ा मजाहिया अंग में ले रहे हैं कि ना अरे वाह इसे तो उसमें भी गाने में भी मुड़की मार रहा है, तो मैं सोचता था मुझे दाद मिलेगी, मुझे ना एप्रिसिएशन मिलेगा इस चीज का, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये अलग ही एक दुनिया है, ये अलग ही एक चीज है, ये अलग ही एक रास्ता है। इसमें अगर मुझे जाना है तो मुझे उन लेजेंडरी सिंगर्स को सुनना पड़ेगा जिन्होंने अपने अपने अपनी महारत हासिल की है, जिन्होंने अपना फन का सिक्का मनवाया है। तो मेरे जहन में क्योंकि मैं थोड़ा गायकी अंग मुझे ज्यादा पसंद है, तो प्लेबैक सिंगिंग में मेरे जहन में आए मैं मोहम्मद रफी साहब को सुनता हूँ, किशोर दा को सुनता हूँ, मन्ना दा को सुनता हूँ। तो मैंने इन सबको सुनना शुरू किया और फिर इनके गाने मैं स्टेज पे भी गाता था और उससे मुझे सीखने को ये भी मिला कि गाना कितना गाने में कितना कंट्रोल होना चाहिए, गाने में एक्सप्रेशन क्या महत्व रखता है और गाने में मॉड्यूलेशन कितना महत्व रखता है। ये सब चीज़ें मुझे इससे पहले नहीं पता थी। फिर मैं लोगों को सुनता गया, यहाँ पे आके भी मैं सीखता गया, जिससे जो सीखने को मिलता था मैं सीखता था। और दूसरी एक और बात, खास बात बताना चाहूँगा कि मेरे डैड ने मेरे लिए बहुत ही एक बहुत ही सौगात भरा काम किया था। उन्होंने मुझे उन सब लोगों का शागिर्द करवाया जिन लोगों से मैं बहुत कुछ सीख सकता था। जैसे मान मसलन मैं दिल्ली में शब्बीर खान साहब का शागिर्द था, गुलाम अली खान साहब का मैं शागिर्द हुआ दिल्ली में, मल्लू खान साहब का मैं शागिर्द हुआ। फिर मैं एक ब्लाइंड आते थे हमारे घर पे जो बहुत ही ज़्यादा नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे, तो वो गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में एक है वहाँ पे सिखाते थे, लेकिन बड़े गुणी इंसान थे और वो ब्लाइंड थे तो जाहिर सी बात है कि वो उतने ज़्यादा साफ सुथरे भी नहीं रहते थे, उनके कपड़े भी मैले रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी मेरे वालिद साहब उनको लेकर आते थे और उनको साफ सुथरा करके, उनको ऑफकोर्स साफ सुथरा इन द सेंस कि उनको मैं नहलाता भी था, मैं उनको घर पे लाकर साफ सुथरा करके उनके पास बैठ के उनसे सीखता था। और इसी तरह फिर मैं बहुत सारे जैसे यहाँ तो सिखाते थे डैडी, और उन्होंने हमेशा मुझे यही बात सिखाई कि जावेद अगर जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो कभी भी अपने आप को गुरु मत मानना, हमेशा स्टूडेंट बन के रहना और हमेशा स्टूडेंट ही बने रहना और ये चीज हमेशा तुम्हारी प्रोग्रेस को आगे तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। तो वो सारी चीजें मेरे बहुत काम आई। और फिर उसके बाद में जब मैंने बहुत सारा यहाँ पे फिल्मों का म्यूजिक सुना, लोगों से मिला, एंड इनफैक्ट ना कुछ टेक्निक्स मैंने कल्याण जी भाई से भी बहुत सीखी। कल्याण जी भाई के यहाँ फिल्म प्लेबैक सिंगिंग कैसे करनी चाहिए या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें, तो वो सारी चीजें उनसे भी मैंने सीखी और फिर मैं आगे बढ़ता गया। और ऐसा हुआ कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा कंठ फूटने लगा। जब आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना आपका, जब एल्डर में जाते हो तो तब मेरी आवाज मैं गा नहीं पाता था। तो क्या होता है कि ना जब आप बच्चे से बड़े में जाते हो, एडल्ट बनते हो, तो आपका जो वो जो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जो चाहते हो वो गा नहीं पाते हो, जो समझते हो वो कर नहीं पाते हो। तो उस दरमियान फिर मैं दिल्ली चला गया दोबारा वापस, और दिल्ली जाने के बाद ये प्रोसेस चलता रहा कि मैं सुनता रहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन माइंड सेट कर लिया था कि आप प्लेबैक सिंगिंग करना। तो मैं एक साल दिल्ली रहा और दिल्ली में मैं रियाज करता था तानपुरे पर, और मुझे धुन लगी रहती थी, बॉस आज भी मेरी धुन है कि ना मैं नया नया क्या क्या होना चाहिए। तो मैं एक साल दिल्ली में रहता था और वक्त का इंतजार करता था कि कब मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा सेटल हो और फिर मैं बॉम्बे जाऊँ।
ये था कि ना एक साल रहने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा बहुत मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। तो बॉम्बे में आया और बॉम्बे में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बता चुका हूँ उस बारे में। उस गली में नहीं जाते, तो काफी चीजें आई। और फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद ऐसा रहता था कि कहीं कुछ डेमो गाने का मौका मिला तो वहां चले गए, कहीं जंगल गाने का मौका मिला तो वहां चले गए, कहीं बैकग्राउंड में कुछ अलाप करने का मौका मिला तो वहां चले गए, या फिर कुछ भी गाने का या कुछ भजन गाने का मौका मिला। टी-सीरीज में उस वक्त ना ये फिल्मी ट्रैक्स के ऊपर ना माता के भजन, कांवर भजन ये सब होते थे, वो भी मैं गाता था। उसमें कुछ 1,000-1,000 रुपए मिलते था चेक। तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें गई, एक्सपीरियंस बनता गया। बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स थे जिनके लिए मैं ना ऐसे डेमो गाता था ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़े और मुझे मुझे लोग सुने और मेरे बारे में। तो मैं बहुत ही लंबे रास्ते से यहाँ तक आया हूँ, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं मिला कि मैं ओवरनाइट मुझे लोगों ने सुना या फिर ओवरनाइट मुझे ना लोगों ने और मैं एक गाना मिला और हिट हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही लंबे रास्ते से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने ऐसा सुना भी है बुजुर्गों से और बड़े लोगों से सुना है कि जो लंबे रास्ते से आता है वो लंबा चलता है। चलता ये पता जाता है कितना चलूंगा या कितना नहीं चलूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक चल ही रहे हैं। तो अल्लाह चलाता रहे। और बस मेरी यही मानना है, क्योंकि मैं जब आया तो मैं उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे कहा कि जावेद आप किसी रियलिटी शो में क्यों नहीं जाते हो। उस वक्त नया नया सारे गामा पर शुरू हुआ था, नया नया नहीं मतलब काफी दिन हो गए थे, सारे गामा पर शुरू हुआ था, लोगों ने बोला कि सारे गामा पर में भाग लो। फिर कुछ साल रहा तो मैं कुछ लोगों ने ये कहा कि अभी इंडियन आइडल नया नया आया था, इंडियन आइडल में आप भाग क्यों नहीं लेते। मेरे कुछ कलीग्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मेरे जहन में यही बात थी। और इसको आप इट्स नॉट अ प्राउड कि मैं प्राउडली ये बात बोल रहा हूँ, बस मेरी एक चाहत थी कि मैं अगर कभी भी इन रियलिटी शोज में जाऊं तो एज अ गेस्ट जाऊं, एक एक मुकाम पाने के बाद जाऊं, एज अ जज जाऊं, एज अ मेंटोर जाऊं, वरना मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये थॉट मेरे जहन में था। अब इसमें कोई तकब्बुर की या गुरूर की या घमंड की बात नहीं है, बस बात मुझे ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान की नियत में अगर कोई खोट ना हो और इंसान सही इरादा रखता हो तो अल्लाह उसको उसको कामयाब जरूर करते हैं। अब मुझे पता नहीं था, मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसा थॉट रखता था कि अगर सारे गामा में मैं जाऊंगा तो एज अ जज बैठूंगा वहां पे जाके, इंडियन आइडल में जाऊंगा तो एज अ जज जाऊंगा। तो वही हुआ। और फिर मुझे एक मौका आया कि मैं फिर रियलिटी शोज जज करने लगा, बहुत सारे रियलिटी शोज किए। तो ये छोटी सी मेरी एक जर्नी है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं जैसे मेरा एक एम था, मैं फिल्मों में गाने के लिए आया हूँ, मेरा ये एम नहीं था के लिए आया हूँ। हाँ मुझे पैसे की जरूरत थी, किसको नहीं होती, लेकिन आज जैसे मैं एक बात मानता हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं कि जो रियलिटी शोज में भी इस तरह इसलिए जाते हैं कि भाई ना एटलीस्ट कम से कम ना उनके शोज शुरू हो जाएंगे, पैसा आने लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मुझे फिल्मों में गाना था, ये माइंड सेट कर चुका था। और साथ ही साथ सी आप फिल्मों में गाएंगे, नाम कमाएंगे, ऑफ कोर्स सारी चीजें आपको आएंगी नहीं। अगर मैं फिल्मों में नहीं गाता, अगर मेरा फिल्मों में नाम नहीं होता, तो मुझे रियलिटी शोज में कोई जज एज अ जज लेता नहीं लेता। नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है मैंने अपना माइंड क्लियर करके निकला था कि मुझे ऐसा करना है और मेरा एम ये है कि अगर मैं इस जगह जाऊंगा, इस रियलिटी शो में जाऊंगा तो एज अ जज जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। तो वो एक मेरे लिए चीज बहुत ही पॉजिटिव साबित हुई। और ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का मेरे साथ में बहुत हाथ रहा और उन्होंने मुझे कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करी, बहुत संभाला। बहुत ही हम लोग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ। और बट मुझे एक बात की खुशी है कि उन्होंने जिस तरह की मुझे तरबियत दी है, तालीम दी है, वो
बहुत कम लोगों को मिलती है। क्योंकि आप देखिए, पढ़ाई लिखाई से आप एजुकेशन से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो घर की तालीम जो आपको सरपरस्ती आपके बड़ों की मिलती है, उससे जो तालीम हासिल होती है वो उससे भी ऊपर है, मैं समझता हूँ। तो मैं और मेरा एक हमेशा एम रहता है, एक हमेशा सोच बनी रहती है कि और क्या क्या होना चाहिए आपके घर की, आपके आपके गले में, आपके गले में कौन सी ऐसी बात आनी चाहिए। कोई भी अच्छा सिंगर को मैं सुनता हूँ, मैं अगर मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ कि ये मेरे गले में भी आनी चाहिए, ये चीज मेरे अंदर आनी चाहिए। कोई चीज अभी मैंने एक इंस्टा पे ना किसी को सुना और उन्होंने बड़ी अच्छी जगह ली और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि ये चीज मेरे गले में भी आनी चाहिए। अभी अभी मैं बताता हूँ, मैं दोपहर में कहीं गया और मैंने ना नुसरत साहब को सुन रहा था मैं उसमें, और उन्होंने मालकौस के अंदर कोई एक सरगम ली। मैं डेंटिस्ट के यहाँ बैठा हुआ था, यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर दी कि मैंने कहा ये सरगम मुझे भी आनी चाहिए, ऐसा ऐसा। तो ये एक सोच बनी रहती है, इससे क्या होता है आप सीख रहे हैं एवरी डे, डे बाई डे नए नए लोगों को सीख रहे हैं। कभी ऐसा होता है लोगों के जहन में ये भी बात आ जाती है कि जी आप, अब तो आपका नाम हो गया है और अभी क्या है यार, सब प्रूव कर लिया। कभी प्रूव नहीं कर पाता आदमी, एवरी डे हमारी लाइन में आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको 100% देना पड़ता है, नहीं तो कितने भी आपके चाहने वाले हैं सब एक मिनट में आपको ऐसे बोल देंगे अरे यार वो बात नहीं रही है। ये सच्ची बात है, आपको करेक्ट बात बता रहा हूँ मैं, मेरा मैंने देखा है लोगों को बहुत अच्छा गाए हैं लोग, एक दिन खराब गाए, अरे यार नहीं नहीं मजा नहीं है बस। और हमारा काम ऐसा है कि भाई हमें एवरी डे अपने गले को भी और अपनी सोच को भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, तब जाके हम वो जो रेस है या फिर वो आप कुछ भी कह लें या फिर वो जो एक लाइन है या फिर वो जो एक मुकाम है उस पे हम टिके रह सकते। जावेद भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, और आपने जो बातें कही उसमें से कुछ शब्द मैंने पकड़े। आपने कहा पैसे चाहिए थे, पॉपुलैरिटी चाहिए थी और इसलिए फिल्म म्यूजिक में आए। कई बार क्या होता है कि जब एक एक शख्स, आपका ही उदाहरण ले लूं, आप बड़े हो जाते हैं तो ये नहीं पता चल पाता कि जो संस्कार थे संगीत के या जो परवरिश हुई या जो पीछे से आ रहा था संगीत वो कहाँ था। तो मैं जानता हूं कि आपके यहाँ तो कवाली की परंपरा थी, मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा बताएं अपनी उस परंपरा के बारे में भी, क्योंकि आपको तो सब लोग जान गए पॉपुलैरिटी की वजह से, वो परंपरा कहीं आज पीछे छूट गई है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपके वाले साहब भी जी जी मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ जी। गाना बजाना तो सालों साल से चला आ रहा है हमारे परिवार में, लेकिन उसका जो फॉर्म ऑफ म्यूजिक था वो बहुत ही डिफरेंट था उस टाइम। हम पूर्वज होते थे बहुत सालों पहले, वो ड्रामास भी करते थे, स्टेज भी करते थे, ड्रामा करते थे, कहानी होती थी उसमें, उसमें म्यूजिक रहता था उसमें। उस वक्त क्या होता था कि देखिए रिकॉर्ड्स किसी को इतना पता होता नहीं था, हमारे पूर्वजों की बात बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब से भी पहले की जी, तो वो ड्रामास गाने हुआ करते, वो कंपोज होते थे, नए कंपोज वो लिखे जाते थे वो ड्रामास के। लैला मजनू का कोई ड्रामा है, वो उसमें एक 10 कैरेक्टर मिलके वो ड्रामा कर रहे हैं, वो उस तरह का माहौल होता था। तो उसमें ना हर सिचुएशन पे एक गाना आता था तो वो एक कंपोज किया जाता था, वो कंपोज भी ऐसा किया जाता था कि उसमें गायकी होती थी। तो वो सारी चीजें थी। उसके बाद में एक दौर आया जब हमारे वालिद साहब आया, उन्होंने एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ाया उस चीज को और वो कवाली की तरफ चले गए, क्योंकि पहले से ही होती चली आ रही थी। जो हमारा स्टाइल है, जो हमारे जिस तरह की सिंगिंग हमारे वालिद साहब करते थे, थोड़ा उसमें कवाली ज्यादा था। मेरे डैडी ने बोला कि कवाली भी ऑफकोर्स करते हैं तो थोड़ा और कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मेरे डैड ने फिर गुरबानी कीर्तन भी किए, वो शब्द गुरबानी कीर्तन जो होते हैं वो भी उन्होंने उसको भी प्रैक्टिस किया और उसको भी वो लर्न करके उन्होंने वो किया। तो मैंने मुझे भी उन्होंने सिखाए थे, मैं भी उनके साथ में स्टेज शोज में जाता था और भी शब्द कीर्तन गाया करता था। तो ये सारी चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक का तो जुड़ाव है ही ना हमारे परिवार में। हमारे दादा म्यूजिक में थे, सब म्यूजिक में थे, लेकिन हार्डकोर क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाते थे, थोड़ा सा कव्वाली रहता था। एक जब मैं हमारे में
अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ने शर्फ बख्शा है कि ना मुझे पहला मैं सिंगर हूँ कि जो फिल्मों में आया वो, और आगे उसको अल्लाह ने मेरे जरिए ना पहुंचाया कि भाई है ना इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अब मैं अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं क्योंकि मैं नाची कुछ भी नहीं, लेकिन उसको और आगे लेके गए। अब बात ये आती है कि हर इंडिविजुअल इंसान का अलग टेस्ट होता है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें थी कि मुझे क्लासिकल सीखना चाहिए, क्लासिकल। मेरे वालिद साहब भी ये चाहते थे कि मैं क्लासिकल सीखूं और इस तरह का, क्योंकि मेरे गले में गॉड गिफ्टेड था कि ना थोड़ा सा गायकी अंग था, समझ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही जबरदस्त, लेकिन मुझे बहुत अच्छी समझ दी है। मुझे, मैं ये बता सकता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, या फिर ये होना चाहिए। तो वो सारी चीजें वो मेरे वालिद साहब के जरिए मेरे अंदर आया, और मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे मुझे इस बात की बेहद खुशी है, अल्लाह का करम है कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ कि जिसमें पहले म्यूजिक था। वरना क्या होता है कि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने, हमारे परिवार में किसी ने म्यूजिक नहीं किया, हम तो अभी शुरू हुए हैं उसमें। और जो परिवार वाला बंदा होता है ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई म्यूजिक का जो टेस्ट होता है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसकी जीन्स में वो बात होती है, जिसकी जो जिसकी खून में वो बात होती है, वो अलग होता है। और जो अभी मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया है, भले ही वो उसकी आवाज कितनी भी अच्छी है, उसमें और जो पहले से करता चला आ रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हम उस कैटेगरी में है जो पहले से चला आ रहा है और उस परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं। भले ही हम मैं इस बात को कहता नहीं हूँ, लेकिन पहली दफा कहा है, मैं तो अल्लाह का बस शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी समझ दी है, और कुदरत की तरफ से थोड़ा गला भी ठीक ठाक मिला है। ऐसे भी देखिए बहुत सारे ऐसे बहुत कमाल कमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब लोग हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है। अब मैं चूंकि मैं क्लासिकल भी सुन चुका हूँ, मैं प्लेबैक सिंगिंग भी करता हूँ, लेकिन आप यकीन मानेंगे मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक सुनता हूँ, कोई मैं अरबिक म्यूजिक सुनता रहता हूँ, मैं फोक म्यूजिक सुनता रहता हूँ, उसमें भी मुझे वो मजा मिलता है। फोक म्यूजिक की अलग बात है। या फिर मैं कभी ऐसा मूड आता है मुझे तो मैं, चलो भाई आज उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनना है, बस किसी को नहीं, चलिए जी आज ना उस्ताद बरकत अली खान साहब को सुनेंगे, ऐसा एक दिन रहता है। चलिए जी आज ना मुझे फरीदा खानम जी को सुनना है, या अगर चलो यार आज जगजीत सिंह जी को सुनते हैं, ऐसा ऐसा बहुत बार होता है। वो डिपेंड आपका मूड कैसा है आज, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। और ऐसा भी होता है कि मान लो जब मैं उठाऊं पहला गाना कोई गाया या फिर पहली कोई ट्यून सुनी मैंने, तो वो एक जहन में पूरा दिन चलती रहती है। बल्कि ना वो सुर, वो स्केल मेरे स्केल से रिलेटेड फिर गाने मेरे जहन में आने लगते हैं कि ये भी इसके साथ में जोड़ू, ये भी इसके साथ जोड़ू, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। और बस शुक्र है खुदा का, उसने जो भी जितना भी हमें अता फरमाया है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब वो जैसे कहते हैं ना एक सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा, मैं वैसा भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना अभी ये चीज भी मुझे बहुत सारी इम्प्रूव कर रही है और कर रहा हूँ, और डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि अपने फैंस को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनकी बदौलत हमें ये मुकाम मिला है, तो उनको तो फीड करना ही पड़ेगा हमें। जावेद भाई बस एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आपने नॉन फिल्मी नाम इतने सारे लिए, बरकत अली खान साहब का नाम लिया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम लिया, गुलाम अली साहब का नाम लिया, तो बहुत विनम्र गुजारिश है कि कोई फिल्मी गाना मत सुनाइए, लेकिन कोई ठुमरी, कोई गजल, कुछ एक दो लाइन, तीन चार चीजें जो आप छोटी छोटी सुनाना चाहें।
देखिए ऑफ कोर्स एक गाना जो एक गुलाम अली खान साहब का एक पंजाबी गीत था तो मुझे बड़ा पसंद था, वो मैं सुनाता हूँ। जी अजान होना शुरू हो गई, हम बातें करते हैं, अजान होने के बाद में फिर मैं गाऊंगा कि जी तो अजान की। जी, तो जावेद भाई वो मतलब एक सवाल ऐसा है जो आपने अब तक जितने इंटरव्यू दिए होंगे गए हो दिए होंगे आपने, उसमें सब में पूछा गया होगा, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि जब मैं आपको रागिरी के रामप्रकाश बिल्कुल वो नाम के साथ अली शब्द जोड़ने का जो किस्सा है, बहुत दिलचस्प किस्सा है, वो सुनना चाहेंगे आपसे, हालांकि आप वो अब तक सुना सुना के बोर हो चुके होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये तो मैं, ये तो हमारे जितनी भी बार हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा या जितनी भी हम इंटरव्यू देते रहेंगे, ये तो लोग पूछते रहेंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा उस बात का। जी जी उसके जी लिए मैं, होता यह है कि जब आप बचपन बच्चे रहते हैं तो आपके आपकी सोच भी थोड़ी सी उसी उसी तरह की रहती है और थोड़ी उसमें भी बचपना रहता है, लेकिन कभी कभी वो बचपना इतनी क्यूट बातें हो जाती हैं कि वो जिंदगी में एक इस तरह से एक मुकाम ले लेंगे, ये सोचता नहीं इंसान। मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि मैं बचपन में ऐसे ही बैठा हुआ था एक दिन, मैंने सोचा कि गुलाम अली खान साहब का इतना नाम है, लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि माहौल में उसी माहौल में रहते थे, तो काश के ऐसा हो कि मेरा नाम जावेद अली प्यार करें, ऐसा। तो मैं ये सवाल लेके अपने डैड के पास गया था और मैंने डैडी को बोला, मैंने कहा पापा गुलाम अली खान साहब का इतना नाम है, उनको इतना प्यार करते हैं, क्या गाते हैं, अगर उसी तरह का मेरा भी नाम हो जावेद अली तो हो सकता है लोग मुझे भी इतना ही प्यार करेंगे। तो ये तो मेरे डैड ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जावेद अली रखो अपना नाम जावेद अली, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आप अली जी रखें, जावेद हुसैन रखें, मोहम्मद जावेद रखें, जावेद अहमद रखें, सब एक ही है, सब एक ही है, सबका वजन वही है। लेकिन चूंकि मैं बचपन में उन्होंने मुझे ये बात बताई और कहा कि जावेद अली रखो, तो मैंने तब से अपने नाम के आगे जावेद अली लगाना शुरू कर दिया और मेरे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए सब पे मैं जावेद अली लिखने लगा। हालांकि बीच में एक ऐसा भी वक्त आया था कि मेरा नाम चेंज किया गया, कल्याण जी भाई के यहाँ जब आया तो वहां पे उन्होंने कुमार जावेद और जावेद जयवेद ऐसा हुआ नाम करा किया, लेकिन वो मुझे सूट नहीं हुआ। मेरी क्या होता है, आपके नाम का आपकी जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है आपकी, तो मैं मुझे सूट नहीं हुआ, फिर मैंने कहा मैंने मेरा नाम जावेद अली, और फिर उसके बाद में उस नाम की जो बरकत आई है। अभी अजान हो गई है तो मैं ये सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल सहियों ने एक पुल मैं किती, सहियों ने सहियों ने है सहियों ने सहियों ने एक पुल मैं किती, ते जड़ा पंछी यार बनाया, पावा चूरियों खावे नाही, मैं ते तन दा मास खवाया, एक दिन उड़नी ऐसे उड़या उस परत ना फेरा पाया, तागा वाले नैन कदों सुख नल सोड़ गे, तागा वाले नैन तागा वाले नैन हाय तंग वाले ने हाय तंग वाले ने
कदों सुख नल सोण गे सुख सड लुटे ना ओ फेरा कदों पोण गे तगा क्या बात है। वाले नैन कदों सुख नल सोण गे। एक गुजारिश ठुमरी की भी करूंगा जावेद भाई, कोई भी ठुमरी, 4 लाइन 2 लाइन। अजान हो रही है, 2 मिनट मुझे दीजिए, जी बातें जरूर। करते हैं, जाएगी तो मैं दोबारा छोड़ूंगा। मैं इसी पे आ रहा हूं कि हर कलाकार जावेद भाई अपना एक एक परिचय बनाता है, अपनी अपनी एक पहचान बनाता है। और जब हम कहते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग में जब हम कहते हैं कि अरे वो बहुत पका हुआ गायक है, तो वो मतलब वो संगीत की जो भाषा है उसमें जब कोई ये कहता है कि जावेद अली बहुत पके हुए गायक हैं, क्या लगता है कि ये जो आपकी संस्कार में संगीत मिला उसकी देन है, या जो संगीत की समझ है आपकी उसकी देन है, ये कॉम्प्लीमेंट कितना बड़ा है? मतलब मैं पीछे ढेर सारे अवार्ड देख रहा हूँ, लेकिन उन अवार्ड से क्या बड़ा अवार्ड ये है कि आपके फैंस ये कहते हैं कि जावेद अली एक बहुत पके हुए गायक हैं? देखिए, ये किसी भी बड़ी अवार्ड से कम नहीं है। देखिए, अवार्ड्स मिलना बहुत किसको बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है, सब चाहते हैं कि उनको मिले। लेकिन जब आपके फैंस आपको इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दे, या आपके कलीग्स आपको इस तरह से बात करें, या इस तरह के आपके बारे में इस तरह की चर्चा हो कि यार वो बहुत सुलझा हुआ आर्टिस्ट है, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी बड़े से बड़े अवार्ड से कम नहीं है। आपको इसी बात से एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है मेरा एक गाना लता दीदी ने सुना और मुझे कॉल किया उन्होंने और कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, ये उन्होंने कहा, और मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ आपको कि आप जिंदगी में जो चाहते हो वो आपको मिले। और ये कहने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी वाइफ के लिए और मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे, मेरी वाइफ के लिए कुछ क्लोथ्स भेजे, कुछ अच्छे से अभी बताना नहीं चाहिए, ज्वेलरी भेजी कुछ, और मेरे लिए एक कुरान पाक भेजा उन्होंने, इतना सा छोटा सा कि ये आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। अब इससे बड़ा क्या अवार्ड होगा बताइए। सही बात तो है ये बिल्कुल। मैं आप में मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और मैं इस बात को मानता हूँ, और अपने फैंस के बारे में बात करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि अभी कुछ हम शोज भी करते रहते हैं, मैं जज करता हूँ, या फिर अभी हम हाल ही में एक जी पे एक IPML करके एक शो कर रहे हैं, उसमें भी मुझे बहुत, और इनफैक्ट मेरी बात को बहुत लोग है ना बहुत ध्यान से सुनते हैं उस बात को, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि अल्लाह ने मेरा एक मुकाम बनाया है। अब ये बात जो है वो कुछ ऑफ कोर्स जिस तरह का म्यूजिक मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूँ या जिस तरह की सोच रखता हूँ उससे रिलेट करते हुए लोग ये बात करते हैं, बिल्कुल तो ये बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बस क्या दे सकता हूँ, मैं तो बस अच्छा काम कर सकता हूँ और अच्छा म्यूजिक भी कर सकता हूँ, और मैं हमेशा चाहूंगा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी सलाहियत रहे मेरे अंदर हमेशा कि मैं अपने जो फैंस हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, उनको हमेशा अच्छे से अच्छा करके देता रहूँ। चलिए, अभी अजान खत्म हो गई, अब मैं आपको ठुमरी सुनाता हूँ राग पीलू पे आधारित। क्या बात है। बरसन लागी
सावन बुंदिया राजा, तुरे बिन लागे ना मोरा जिया, बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे सावन बुंदिया राजा, तुरे बिन लागे ना मोरा जिया, बरसन लागे प्रेम हवा है धीमी धीमी, प्रेम की बत्तियां मीठी मीठी, प्रेम की बत्तियां प्रेम हवा प्रेम हवा है धीमी धीमी, प्रेम की बत्तियां मीठी मीठी, रुसवा पुना मैं न कहूंगी, एक नजर बस देख मरूंगी, तुरे बिन लागे ना मोरा जिया, बरसन लागी सावन बुंदिया राजा, तुरे बिन लागी ना मोरा जिया, बरसन लागे सावन बुंदिया राजा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला। बस आखिरी सवाल से आपको विदा करता हूँ कि जब आप जज के तौर पे जाते हैं ये स्टेज जो रियलिटी शोज हैं, एक यंग बच्चा आता है 16-17 साल का और उसके सामने मान लेते हैं जावेद अली साहब बैठे हैं या मान लेते हैं दो और बड़े इंडस्ट्री के कलाकार बैठे हुए हैं, उसके उसके जहन में दो चीजें होती हैं कि एक तो मैं अच्छा गाऊंगा जिससे ये खुश हो जाए, इनको मजा आ जाए, ये प्रसन्न हो जाए, और एक भाव ये होता है कि मैं कुछ ऐसी हरकत कर दूंगा अपने गले से, बहुत तेज कोई तान पढ़ दूंगा कि ये चौंक जाएंगे, कह रहे ये स्पीड कहां से इतनी जल्दी आ गई, ये जो ये बहुत जल्दी से गा के और बहुत बहुत तेज ताने ले लेना, ये आपको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है अब रियलिटी शोज में? मैं देखिए वो तैयारी, मैं एक बात इसका जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि मेरे वाली साहब भी ये बात बोलते थे कि जिस गाने में असर ना वो गाना गाना नहीं है। साथ भी ये बात बोलते हैं, देखिए तैयारी वो ये बात उनका जवाब रहता, उनका सवाल रहता था, जवाब रहता था कि तैयारी तो गधे पे भी आ जाती है, प्रैक्टिस करो लगेगा, लेकिन सोज रूहानियत, लेकिन वो जो तासीर है अगर वो नहीं है तो फिर वो चमत्कारी लगेगा। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि तैयारी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप गाना गाएं तो आप गाने के मतलब मैं अपने बारे में, मैं किसी रियलिटी शो की बात नहीं करता, तो वो सारी चीजें एक तरफ रखिए, जिस तरह का आप गाना गा रहे उस गाने में वो जो गायकी है उसमें से छोटी सी मुर्गी की जरूरत है, उसमें से एक छोटी सी तान की जरूरत है, सब कुछ अगर आप इसमें डाल लेंगे तो मेरा गर्व हो जाएगा, बस ये समझ की जरूरत है। अभी कैसा होता है कि
मैं इस गाने में सब कुछ डाल देता हूँ, तान भी डाल देता हूँ, मिंट भी डाल देता हूँ, इसमें ये भी डाल देता हूँ, मैंने इसमें ना त्रिपल्ली तान भी डाल देता हूँ, रोटेशन भी डाल देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि चमत्कारी लगता है। लेकिन जब है ना वही बंदा को एक सिंपल गाना गाने के लिए दिया जाता है तो वहां टाई टाई फिश हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है। सिंपल गाना गाने के लिए देखो जी, एकदम स्ट्रेट नोट गाना है आपको सिंपल एक्सप्रेशंस के साथ, तो वो फिर बिलखता रहता है, फिर अंदर उसके ना वो उमड़ता रहता है कि यार जब तक तान नहीं लूंगा ना तब तक मजा नहीं आएगा यार, लोगों को मजा नहीं आएगा यार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी करे, रियाज करे, हर चीज आपकी बनाए, लेकिन वो सारी चीजें ना एक साइड में रखें जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस तरह का गाना है वो उतनी समझ होनी चाहिए कि इसमें से मैं एक छोटी सी मुर्गी निकाल लेता हूँ जिसकी यहाँ जरूरत है, थोड़ा थोड़ा सा निकाल के आप उसमें पेश करें, सारा डाल देंगे तो खराब हो जाएगा, ये समझ बस तभी आप लॉन्ग टर्म तक आगे जा पाए। ये सवाल इसीलिए पूछा था कि बहुत सारे जो हमारे यंग आर्टिस्ट इस इंटरव्यू को देखें उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक हो, बहुत बड़ी सीख हो कि कर आप सब कुछ सकते हैं, जो आपने कहा ताने ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं, मुर्कियां ले सकते हैं, लेकिन किसकी जरूरत है वहां पर और वो जो दिल को छुए। तो जावेद भाई मैंने सोचा था कि जब भी आप इंटरव्यू का समय देंगे आपसे फिल्मी गाने की फरमाइश नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो बहुत मैं आपका बात मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, मुझे मजा आता है गाने में। देखिए वो तो मैं रोज डेली करता हूँ, इंस्टा लाइव करते रहते हैं हम, फेसबुक लाइव करते रहते हैं, उस पे तो हमें यही फरमाइश आती है कि जी कौन फाय कौन सुना दीजिए, अर्जिया सुना दीजिए, एक दिन तेरे राहों में सुना दीजिए, कोई फलाना गाना जश्न बहारा सुना दीजिए, या फिर यही गानों की फरमाइश आती है। जब इस तरह का जब म्यूजिक सुनने में कोई फरमाइश करता है ना तो बड़ा मजा आता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने तय किया था कि मैं ये फिल्मी गाने की फरमाइश नहीं करूंगा आपसे, और आपके अंदर जो मिट्टी वाली खुशबू है ना संगीत की वो थोड़ी सी निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपने समय निकाला, इस बात की बेहद खुशी है। जाते जाते एक बात, छोटी सी बात जी जरूर, कि पिछले साल जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन शुरू होने वाला था तो मैंने एक गाना गाया था बंदिश बैंडिट करके, एक वेब सीरीज आई थी उसमें जी का म्यूजिक था और एक बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने गाया लव पर आए, जिस गाने के लाखों वर्जन्स बन चुके हैं, लाखों आप यूट्यूब पे देखें। तो वो एक क्लासिकल ठुमरी थी, ठुमरी अंग था उस गाने, और वो इतना अप्रिशिएट हुआ खास तौर से 50 प्लस लोगों में नहीं, यंगस्टर्स में बिल्कुल। तो इस बात की मुझे इतनी खुशी हुई कि यंगस्टर्स को अगर अच्छा म्यूजिक दिया जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक दिया जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो कैसे नहीं सुना। और उसके लिए मुझे शंकर जी ने बुलाया, जब उस गाने के लिए मुझे बुलाया गया तो मैं ये सोचा था कि मुझे बहुत ही ठंडक महसूस हुई मेरे कलेजे को कि यार बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गा सकते हैं क्लासिकल, तो मुझे ही क्यों बुलाया गया। तो फिर मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि कुछ ऐसे गाने होते हैं कि जिन गानों के लिए, ऐसे बहुत सारे गाने हैं कि जिन गानों में लास्ट में मेरी मुझे बुलाया गया और फिर वो गाना ऐसा आया। तो ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये गाना ऐसा आया मेरा लब पर आए बंदिश बैंडिट का, कि जिस गाने में क्लासिकल रंग था, ठुमरी रंग था और बहुत मजा आया। तो अब फिर उसकी दो लाइन गुनगुना दीजिए, तो फिर उसके बाद आपको धन्यवाद कहेंगे। जरूर जरूर, आसान होगी। हाँ लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। अब अगर मैं इसी गाने को लब पर आ
ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से शंकर जी ने सोचा है, कंपोजर ने सोचा है, क्या फील है इस गाने में, तो मुझे उतना ही गाना है। और फिर बाद लब पर ये भी जगह है, मैं थोड़ी सी जगह वहां से चुरा के और यहाँ नहीं। गीत सुहाने माने ना जियरा लाख बहाने, याद तिहारे आए सताने, मन लागे रे पछताने हो, मुरे सैया मैं लागो तोरे पैया, बलवाना जाओ परदेश, सजना जी करूं मैं कैसे राजी, प्यारे लाग जिया को ठेस। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद जावेद भाई, बहुत मजा आया बातचीत करके, बहुत सारा आपका बैकग्राउंड पता चला, और मैं जो चाहता था कि हम आपके वालिद साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातचीत करें, वो बातचीत पता चली, संगीत को लेकर आपकी सोच पता चली, और जाहिर सी बात है ठुमरी सुनने को मिली अच्छी सी एक। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, आदाब अजय, और बस ऐसी प्यार आपका बना रहे, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वक्त अभी बुरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।